Hello everyone, welcome to the masterclass by Toppers and initiative by Unacademy. I am Kirti Agrawal and I secured AIR 15 in NEET 2019. I am here to give you guys some tips on how to crack the score of 600 in NEET in a single attempt. So guys, trust me, it is very easy to crack the score of 600 in single attempt, and I'll give some tips. I've prepared a lot of tips which I'll share one by one with you, so that if you follow these tips, you'll surely crack the score of 600 in a single attempt. So first, let's break the score down. Hame agar 600 secure karna hai, then we need to secure about 330 marks in biology, 120 to 130 marks in physics and 120 to 130 marks in chemistry as well. अब हमें ये कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक एक टिप्स देती जाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप, दैट इज डोंट लीव एनी चैप्टर. मैंने देखा है स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी दैट विच चैप्टर्स आर लेस इम्पॉर्टेंट और विच चैप्टर्स दे कैन लीव और समथिंग लाइक दैट. बट ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट हो रहा है तो यू कैन at least learn the base or extract of it, but don't ever leave a chapter. Every chapter is important, and especially in biology, aapko koi chapter chhodna nahi hai. Don't leave any chapter. Second tip here is make a timetable for yourself. Always make a timetable and stick to it. Dekho, timetable usually har koi bana leta hai, but the problem here is with sticking to it. Follow nahi kar paate log timetable ko. इसलिए हमेशा एक टाइम टेबल बना के उसे उसको फॉलो करना इज इम्पॉर्टेंट. एंड वन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमेशा टाइम टेबल में अपने लिए गोल्स ऐसे सेट करो विच आर रीचेबल. अनरीचेबल गोल्स इफ यू विल सेट इन योर टाइम टेबल तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे एंड इन द लास्ट यू विल एंड अप गिविंग अप ऑन इट. सो अगर आप चाहते हो कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो करते रहो, हमेशा रीचेबल गोल्स तैयार रखो. इतने घंटे या इतने आवर्स पढ़ाई मत रखो जो आपसे कंप्लीट ना हो पाए. रीचेबल गोल्स रखो अपने टाइम टेबल. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऑलवेज इंक्लूड 2 to 3 सब्जेक्ट्स, मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स पर डे. देखो ये अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पूरे दिन में तो हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी कम होती जाती है. इट स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड क्योंकि अगर हम सपोज सिर्फ फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो जो उसकी एफिशिएंसी है विद टाइम इट विल डिक्रीज. सो इट्स बेटर कि यू अल्टरनेट इट विद केमिस्ट्री और सपोज बायोलॉजी. क्योंकि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं देन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं देन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड भी रिफ्रेश होता जा रहा है, प्लस उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, उसकी लर्निंग एफिशिएंसी बेटर होती जा रही है. ठीक है, सो दिस वॉज माई सेकेंड टिप कि हमें हमेशा रोज सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स वी हैव टू लर्न डेली, नॉट अ सिंगल वन. नेक्स्ट इज वी ऑलवेज हैव टू कम्प्लीट वॉट एवर इज टॉट टूडे इटसेल्फ. हमारी कोचिंग में या वेर एवर जो रोज का अलॉटेड टॉपिक है, यू शुड ऑलवेज कम्प्लीट दैट डेली. क्योंकि हमारा सिलेबस इज वेरी हुपिंग एंड अगर हम उसे डेली नहीं कम्प्लीट करेंगे तो देर विल बी अ लॉट ऑफ बैकलॉग जो आप उसे लास्ट में कवर अप नहीं कर पाओगे. हमें लास्ट का टाइम प्रीशियस होता है, उसे हमें रिविजन के लिए रखना है, ना कि हमारा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए. इसलिए हमेशा जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसे हम घर पर आकर अच्छे से रिवाइज करें, उसकी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं एंड उसे डेली का डेली प्रैक्टिस करना इज इम्पॉर्टेंट. अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग टाइम टेबल इज टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन. जैसे कि मैंने बताया, अगर हम पढ़ाई मोनोटोनसली कर रहे हैं देन आर ब्रेन्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस एज टाइम. तो अगर हम हमारी पढ़ाई के बीच में वी इंसर्ट सम ब्रेक्स से अबाउट 5 to 15 मिनट्स, तो ये ब्रेक हमें रिफ्रेश करता है एंड हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है. एंड रिमेंबर इन दीज ब्रेक्स मेक श्योर टू डू सम प्रोडक्टिव थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक अ वॉक. आप वॉक ले सकते हो, आइदर यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक, और यदि आप हॉस्टल में हैं तो यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, एनीवन फॉर ब्रेक और समथिंग लाइक दैट. बट डोंट एंगेज इन सम एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल लाइक यूट्यूब और वॉचिंग अ मूवी और प्लेइंग अ गेम. क्योंकि ये सारी चीज़ें में यू गेट स्टक. आप ब्रेक के बाद यू हैव टू कम बैक टू स्टडी.
ओके, सो यू कांट गेट स्टक इन द ब्रेक इटसेल्फ। तो आप 15 मिनट से ज्यादा का ब्रेक ना लें, बट मेक श्योर ब्रेक जरूर लें बिटवीन स्टडीज। नेक्स्ट टॉपिक आई एम डिस्कसिंग हियर इज हॉबीज। सो दैट्स द सेम थिंग कि आप अपनी हॉबीज पर गिव अप ना करें, सो दैट व्हेनेवर यू फील लाइक यू आर बोर्ड, यू कैन नॉट स्टडी एनी मोर, तो आप फॉर 15 टू 20 मिनट्स आप अपनी हॉबीज को भी परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग और प्लेइंग सम गेम्स, सम स्पोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट, एनी फिजिकल एक्टिविटी, इट विल हेल्प रिफ्रेश योर ब्रेन इवन। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मेरे पास जो है आफ्टर टाइम टेबल, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। देखो नोट्स तो सभी बनाते हैं जो हम रेगुलर नोट्स बनाते हैं, बट मैं उन नोट्स की बात नहीं कर रही। रेगुलर नोट्स जब हम बनाते हैं तो वो साल के एंड तक दे टर्न आउट टू बी लाइक 1 to 2 थिक रजिस्टर्स। इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स वी कांट रीड एट द एंड ऑफ ईयर। तो पर्सनली मुझे, मैंने एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाई थी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेपरेटली, विच प्रूव टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू मी इन द एंड, क्योंकि ड्यूरिंग रिविजन यू कांट रीड द होल टेक्स्ट बुक्स ना। सो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको तीनों में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स। फिजिक्स में आपको यूजुअली फॉर्मूले होते हैं लर्न करने के लिए, जो कि हमें मतलब अगर आप उन्हें लर्न कर लोगे तो इट वुड बी बेटर टू मार्क द क्वेश्चंस। तो जैसे आप पढ़ते जाओगे तो यू शुड ऑलवेज राइट डाउन दोज फॉर्मूला जो आपके साथ आते जा रहे हैं। जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं आपकी डेली स्टडीज में, यू शुड राइट इट डाउन, एंड इन द एंड इट विल बी लाइक अ फॉर्मूला बुक। ऑल्सो आप फॉर्मूले के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी लिख के रख सकते हो। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चंस भी आप लिख कर रख सकते हो। तो आपकी फिजिक्स की शॉर्ट नोट्स में देन क्या क्या हो गया, फर्स्ट थिंग हो गई फॉर्मूले, देन हो गए कि आपको कोई क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे लगे जो आप वापस देखना चाहोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप शॉर्ट नोट की कॉपी बना के आप अलग रख सकते हो फॉर फ्यूचर, दैट इज इन द एंड ऑफ द ईयर। सेकेंडली देन केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। केमिस्ट्री में भी तीन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको फिजिक्स के जैसा ही रखना है कि आप उसमें उसके फॉर्मूलेज लिख लो, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में दैट। और इनऑर्गेनिक पे आते हैं, देखो इनऑर्गेनिक जो है उसमें हमें, इनऑर्गेनिक इज अ लॉट मेमोरी बेस्ड, उसमें हमें बहुत कुछ याद करना होता है। देयर आर ऑर्डर्स टू लर्न, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें ये सारे ऑर्डर्स याद करने होते हैं, तो नॉट एवरी ऑर्डर, देयर आर सम ऑर्डर जैसे कुछ एक्सेप्शन वाले होते हैं जिनका, जिन पर यूजुअली लॉजिक नहीं काम करता, देयर आर सम एक्सेप्शन ऑर्डर्स। तो वो ऑर्डर्स आप लिख कर रख सकते हो शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि वो आप देयर इज अ चांस दैट आप वाले ऑर्डर्स भूल जाओगे। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप कुछ रिएक्शंस होती हैं, नेम रिएक्शंस जो इतनी फ्रीक्वेंटली आप पढ़ते नहीं हो, तो वो रेयर रिएक्शंस आप लिख कर रख सकते हो ताकि आपको मतलब आप अगर वो भूल जाओ तो लास्ट टाइम पे आपको रिकॉल के लिए अच्छा रहे। तो ये मैंने आपको बता दी केमिस्ट्री में आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, नाउ लेट्स टर्न टू बायो। देखो बायो तो पूरा मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, हमें पता है। तो बायो में हम कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। देखो बायोलॉजी में एक चीज होती है, हमें फिगर्स याद करने पड़ते हैं एनसीईआरटी के एज इट इज जो दिए होते हैं, और बहुत छोटे छोटे फिगर्स, जैसे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल ईयर जो था 1856 टू 1863, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। तो ये सारे ईयर्स हमें याद रखने होते हैं। तो ये जो फिगर्स हैं या कोई भी मैथमेटिकल फिगर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम उसे लिख कर रख सकते हैं ताकि लास्ट टाइम पर हमारे लिए वो एक रेडी रेफरल हो। ऑल्सो आप इनको ग्रुप करके भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा था डीएनए डिस्कवरी का जो ईयर है दैट इज 1953 इज सेम एज द ईयर फॉर डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स, है ना। तो हम लोग 1953 लिख के उसके सामने डीएनए प्लस राइबोसोम्स दोनों लिख के हमारे शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा ब्रेन उसको बेटर तरीके से याद रखता है, क्योंकि इट्स नाउ एसोसिएटेड। तो अगर एसोसिएशन बना हुआ है तो वो इजीली याद रखेगा हमारा ब्रेन। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो दैट 1953 वाज बोथ फॉर डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। तो दिस इज द काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स आई एम टेलिंग यू टू मेक।
तो ये मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली, उनके आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने, कैसे बनाने आई हैव टोल्ड यू। अब इन शॉर्ट नोट्स को जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल में भी बताया कि आपको वीकली जरूर रिवाइज करना है, व्हेनेवर आपका जब वीक खत्म हो जाता है दैट इज ऑन संडे, तो संडे टाइम होता है कि आपको हफ्ते भर जो भी पढ़ाया गया आपको उसको एक बार पढ़ के देखना है, उसको आपको पूरा एक बार ए टू जेड पन्ने पेजेस पलट के देखना है कि हमने एग्जैक्टली पढ़ा क्या है, क्योंकि वो चीज़ हमें होलसम व्यू देती है। अगर हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं कि यार हमने फिजिक्स में आज थर्मोडायनेमिक्स इस हफ्ते में पढ़ा, तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स एक बार रिव्यू कर लो, तो ब्रेन में एक होलसम व्यू हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप वीकली भी नोट्स को जो मैंने बताया शॉर्ट नोट्स, उनको आपको रिवाइज करना है ताकि आपके ग्रिप बना रहे, क्योंकि एक चीज़ होती है साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपका जो लर्निंग कर्व है दैट गोज डाउन विथ टाइम, आई मीन जो मेमोरी कर्व है दैट गोज डाउन, आप कोई भी चीज़ याद रखते हो तो विद टाइम आपको वो भूलना ही है, दैट मीन्स रिविजन इज द की। तो आप लोग अगर वीकली उसे रिवाइज करोगे तो उसका जो प्लेस है हमारे माइंड में वो सिक्योर हो जाएगा, इट वुड गेट कन्वर्टेड इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी रादर देन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट हमारा शॉर्ट नोट्स। थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एंड आई एम टेलिंग दिस अगेन दैट एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, तो बट मेनी ऑफ देम फेल टू रीड द एनसीईआरटी द करेक्ट वे। तो आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एन एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव सीन स्टूडेंट्स, कि वो लोग बायोलॉजी के एनसीईआरटी पूरे अच्छे से याद करके रखते हैं बट ड्यूरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो इतना ध्यान नहीं देते। बट ट्रस्ट मी गाइस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी उतनी ही हेल्पफुल है एंड यू शुड ऑलवेज गिव देम द इम्पॉर्टेंस अलॉन्ग विद बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विद बायोलॉजी। तो फिजिक्स, अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एनसीईआरटी में और उन्हें कैसे पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी से। देखो फिजिक्स की एनसीईआरटी मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट्स के लिए भी पसंद थी, क्योंकि इट इज़ अ कंसाइज फॉर्म, आपको कंसाइज फॉर्म में सारे थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार रेनबो वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, तो वो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इफ़ यू हैव रेड एनसीईआरटी एटलीस्ट ट्वाइस तो आपको वो याद रहेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। तो ऐसे आपकी एक बार सारे कॉन्सेप्ट एंड थियोरी बेस्ड क्वेश्चन जो फिजिक्स में आ सकते हैं वो एक बार रिवाइज हो जाते हैं इफ़ यू रीड द फिजिक्स एनसीईआरटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिजिक्स की एनसीईआरटी के पीछे चैप्टर के एंड में जो दिया हुआ है पॉइंट्स टू पॉन्डर, पॉइंट्स टू पॉन्डर में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं कंपेयर टू द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा अंदर का टेक्स्ट है उससे थोड़ा हाई लेवल नॉलेज हमारे पॉइंट्स टू पॉन्डर में दे रखा है, जो यूजुअली एम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट सिंस अब तो एम्स इज मर्ज्ड, बट स्टिल वो हाई लेवल क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पॉइंट्स टू पॉन्डर वाले सेक्शन से। सो आपको उस सेक्शन को पर्टिकुलरली ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, दैट पॉइंट्स टू पॉन्डर सेक्शन। एंड जो फिजिक्स के पीछे क्वेश्चन है आपको वो भी ज़रूर सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्वेश्चंस लास्ट में दिए हुए हैं दैट इज द वंस जो अंडर हेडिंग दिए हुए हैं नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं दैट इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सीबीएसई, नीट के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा लेवल के होते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चंस फिजिक्स के पीछे दिए हुए हैं अंडर द हेडिंग नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाले क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करके देखने, क्योंकि वो बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मुझे वो अच्छे लगे थे पर्सनली, इसलिए आपको एक बार वो सॉल्व करके जरूर देखना चाहिए। तो फिजिक्स हो गया, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो केमिस्ट्री में देखो गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो मैं वही कहूंगी जैसा फिजिक्स में, आपको एक बार शॉर्ट रीडिंग ले लेनी है, और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर का ज्यादा आता भी नहीं है, तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है उसमें। सम कॉन्सेप्ट्स यू कैन रीड फ्रॉम आउटसाइड एज वेल, बट मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। इनऑर्गेनिक पे अगर हम आए तो इनऑर्गेनिक इज 99% ऑफ द टाइम होल एनसीईआरटी इन द पेपर, क्योंकि आप अगर इनऑर्गेनिक को बाहर से पढ़ने की कोशिश करोगे देन इट्स अ रियली रियली वास्ट सब्जेक्ट, तो आप इनऑर्गेनिक को बाहर से नहीं पढ़ सकते,
क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है एंड इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है एंड स्पेशली एनसीईआरटी में जो टेबल्स दिए हुए हैं, पी ब्लॉक डी ब्लॉक, इन सारे चैप्टर्स में जो टेबल दिए हुए हैं उनमें सारे ऑर्डर्स दे रखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल दोज आई वॉज टॉकिंग अबाउट. आपको ये सारे टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए फ्रॉम एनसीईआरटी टू गेट अ गुड ग्रिप. ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे? देखो, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी के लिए जो नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखी है पर्टिकुलरली, वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू नॉन एनसीईआरटी वंस. एंड जिनके एनसीईआरटी में जो चीजों के मैकेनिज्म्स दे रखे हैं, जो रिएक्शंस के मैकेनिज्म दे रखे हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसकी कई बार एक पर्टिकुलर स्टेप पूछी जाती है एग्जाम में. जैसे द पोजीशन ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस स्टेप, एक पर्टिकुलर स्टेप भी पूछी जा सकती है, राइट? इसलिए दिस वाज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री. नाउ कमिंग टू बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, दैट इज ए टू जेड याद होनी चाहिए. उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ. देखो, फर्स्टली है डायग्राम्स, एंड डायग्राम्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में आजकल डायग्राम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. एंड रिगार्डिंग डायग्राम, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे कि इफ़ यू गाइस रिमेंबर, जो PBR 322 का डायग्राम है एनसीईआरटी में, उसके नीचे ROP जीन का फंक्शन दे रखा है, और वो फंक्शन अगर आप एक्चुअल थ्योरी पढ़ोगे उस चैप्टर में, उसमें नहीं दे रखा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो चीज़ें कई बार डायग्राम के टेक्स्ट के नीचे, डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट में दे रखी है, वो नहीं दे रखी होती इनसाइड द थ्योरी पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. इसलिए रीडिंग डायग्राम्स एंड विद देयर टेक्स्ट, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग द फिगर्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मेंडल का ईयर पूछा गया था 1856 टू 1863, फिगर्स इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से पढ़ना. एंड थर्ड थिंग इज साइंटिस्ट, आपको हमेशा जो हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट. आपको वो सारे साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन, उनने क्या क्या डिस्कवरीज की एंड ऑल दोज थिंग्स आपको याद रखना है. एंड द समरी पार्ट, नेवर नेग्लेक्ट द समरी ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि आप लोग नोटिस करोगे इफ यू गाइज रीड केयरफुली कि कई चैप्टर्स में समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं विच आर नॉट गिवन इन द एक्चुअल टेक्स्ट. तो इसीलिए आप एनसीईआरटी में कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बायोलॉजी में. इट्स अ मस्ट टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम बायोलॉजी. ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. ये हमारा पॉइंट हो गया करेक्ट वे ऑफ रीडिंग दैट आई हैव टोल्ड यू फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. नेक्स्ट इज राइट रिविजन स्ट्रैटेजी. देखो, रिविजन एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो द थिंग फेड्स अवे फ्रॉम योर माइंड. तो रिविजन इज इम्पॉर्टेंट, और आपको हमेशा रिविजन के लिए एटलीस्ट आपका जो सिलेबस है वो 2 months या मिनिमम, आई एम टेलिंग मिनिमम 2 months पहले आपका कवर हो जाना चाहिए, ताकि यू हैव एम्पल टाइम फॉर रिविजन. तो रिविजन आप कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ड्यूरिंग रिविजन इज पेपर सॉल्विंग. इट cannot be neglected, and the paper solving is the most important key for cracking any competitive exam, not only NEET, any competitive exam. तो पेपर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है. मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप पेपर सॉल्विंग को कैसे ज़्यादा एफिशिएंटली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं पेपर सॉल्विंग का. पर पहले मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी कि रिविजन में आपको वो शॉर्ट नोट्स ज़रूर पढ़ना है. वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताए, वो हमने इसीलिए प्रिपेयर किए थे कि आप उसे इस टाइम पर, दैट इज लास्ट टाइम पर पढ़ सकें ड्यूरिंग रिविजन. ठीक है, अब कमिंग बैक टू द पेपर सॉल्विंग. पेपर सॉल्विंग में 2 points इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज योर टाइम बेस्ड पेपर सॉल्विंग. देखो, अगर आप कोई फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड दैट यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन इन अबाउट लाइक 10 to 15 minutes, तो वो गलत है, क्योंकि आपको एग्जाम में 10 to 15 minutes नहीं मिलने वाली. यू विल हार्डली गेट 3 minutes फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन फिजिक्स. तो अगर आप कोई क्वेश्चन 15 minutes में सॉल्व कर रहे हो, देन इट्स ऑफ नो यूज. इसलिए हमेशा आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इट शुड ऑलवेज बी टाइम बेस्ड, नेवर विदाउट अ टाइमर. तो मैं पर्सनली हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आई यूज टू कीप अ टाइमर कि इतने टाइम में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. नेक्स्ट थिंग इज एनालाइजिंग द पेपर. गाइस, हम पेपर सॉल्विंग की बात ही इसीलिए करते हैं कि वी कैन एनालाइज आवर मिस्टेक्स. उसके पीछे का सोल प्रिंसिपल ये है कि पेपर सॉल्विंग से वी कैन आइडेंटिफाई द एरियाज विच आर वीक,
अगर हम वीक एरियाज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ड्यूरिंग रिविजन हमको एक्चुअली क्या पढ़ना है, क्योंकि रिविजन के टाइम पे यदि हम पूरा पढ़ने बैठेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रिविजन के टाइम पे हम पेपर सॉल्व करें और पेपर से पता लगाएं कि कौन से एरियाज हमारे लिए पर्टिकुलरली वीक हैं, कौन से चैप्टर्स वीक हैं, और हम उन पर प्रैक्टिस करें। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि राइट वे क्या है फॉर एनालाइजिंग योर पेपर। फर्स्टली आप जैसे ही आप पेपर देके आते हो, देखो हमेशा आप पेपर एनालाइजिंग पर बहुत टाइम दो रादर देन सॉल्विंग। दो आप पेपर सॉल्व कर रहे हो उसकी जगह इफ़ यू सॉल्व ओनली जस्ट अ सिंगल पेपर एंड एनालाइज इट करेक्टली। अब एनालाइजिंग आप कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। एनालाइजिंग के लिए आप पहले अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान दो, मिस्टेक्स को आप सेग्रीगेट कर लो, सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल सिली मिस्टेक्स एंड कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। अब जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक्स होती हैं विच मतलब आपको कुछ आता नहीं था, आपकी नॉलेज में कमी थी, आप कुछ भूल गए उसकी वजह से वो हुआ, दैट इज नॉलेज बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। तो वो सारी मिस्टेक्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय स्ट्रेंथनिंग अ कॉन्सेप्ट। तो आप वो सारे लिख के रख लो कि देखो मैंने आज पेपर सॉल्व किया एंड मेरे मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, दैट मीन्स कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वापस रिवाइज करना है। तो ऐसे यू कैन मेक आउट विच टॉपिक ऑफ योर्स इज वीक। तो एक तो ये हो गया कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक से आप लोग अपनी वीक एरियाज निकाल सकते हो। अब कमिंग टू द सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक इज अ प्रॉब्लम विच एवरी स्टूडेंट फेसेस। नॉर्मल स्टूडेंट्स हो या टॉपर्स हो या वॉट एवर, एवरी टाइम सिली मिस्टेक्स इज वन थिंग विच बग्स एवरी वन एंड मैनेजिंग इट इज अ रियली हार्ड टास्क टू डू, बट इफ यू गाइज डू इट प्रॉपरली इट कैन लीड टू अ ग्रेट इंक्रीमेंट इन योर मार्क्स। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं दैट इवन मेक लाइक 60 मार्क्स, दे इवन लूज 60 टू 70 मार्क्स इन सिली मिस्टेक एंड दैट्स अ रियली रियली मेजर पोर्शन ऑफ योर मार्क्स। अब 60 मार्क्स आप सिर्फ सिली मिस्टेक में रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आई एम गोना गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ टू रिड्यूस दीज सिली मिस्टेक्स। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप फॉर मी वॉज इन सर्कलिंग और अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मैं हमेशा जो क्वेश्चन में जैसे एग्जामिनर्स के जो क्वेश्चन होते हैं विच आर जस्ट फॉर चेकिंग दैट वेदर यू हैव रेड द क्वेश्चन करेक्टली और नॉट, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो आई यूज टू अंडरलाइन दिस टर्म एक्सेप्ट और आई यूज टू इन सर्कल इट, ओके, तो ताकि जब मैं उसे सॉल्व करूँ तो मेरे माइंड में रहे दैट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट वन विच इज करेक्ट एक्सेप्ट। कई बार क्या होता है हम एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, विल जस्ट रीड विच इज करेक्ट देन विल रीड द फर्स्ट ऑप्शन और उसको हम सही कर देंगे जबकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज इज ऑलवेज रीड फोर ऑप्शन ऑल द टाइम। आप हमेशा अगर आपको एक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल भी गया है यू शुड ऑलवेज रीड द रिमेनिंग थ्री ऑप्शन एज वेल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पॉइंट मिस कर देते हैं विच इज एट द बैक ऑफ आवर हेड और हम जब उससे जब हम सही आंसर पढ़ते हैं तब जाके हमें क्लिक होता है ओ दिस वॉज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए कई बार हम अगर फोर चारों ऑप्शन फिर से पढ़ें तो हमें रियलाइज होता है ओके दिस वॉज द थिंग। तो ये हो गया सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट पे आपको हमेशा पहले से डिसाइड करके जाना है ड्यूरिंग एग्जाम की आपको क्या अटेम्प्ट करना है। ऐसा आपको फॉर ईच सेक्शन यू हैव टू डिसाइड, लाइक फिजिक्स का आपको टाइम डिसाइड करना है, केमिस्ट्री का डिसाइड करना है, बायोलॉजी का डिसाइड करना है, प्लस फॉर ईच क्वेश्चन ऑल्सो, फिजिक्स के एक क्वेश्चन का, केमिस्ट्री के क्वेश्चन का एंड बायोलॉजी के एक क्वेश्चन का आपको टाइम हमेशा पहले से पता होना चाहिए। इट्स डिफरेंट फॉर एवरी वन आई नो, जैसे यूजली लोग प्रेफर करते हैं दैट दे अटेम्प्ट बायोलॉजी फर्स्ट, बट मैं हमेशा फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करती थी देन केमिस्ट्री देन बायोलॉजी, सो इट डिफर्स। क्योंकि मैं फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी यूजुअली, तो मैं फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करती थी व्हेन माय कंसंट्रेशन वाज फुल, देन केमिस्ट्री देन बायोलॉजी। कई लोग बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते हैं थिंकिंग कि दैट इज इजी पार्ट, यू कैन स्कोर इजीली, तो वो भी दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन। आई एम नॉट टेलिंग कि आप मेरा वाला ही फॉलो करो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले से डिसाइड करके जाओ ये चीजें, ताकि आप एग्जाम में स्ट्रगल ना करो कि कितने क्वेश्चन बचे हैं या कितना टाइम बचा है, मुझे और क्वेश्चन कितने टाइम में करने हैं। यू डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दीज कैलकुलेशन इन द एग्जाम हॉल, ओके। तो अब नेक्स्ट थिंग पर चलते हैं, दैट इज कि हमेशा एग्जाम में देर आर सम क्वेश्चंस कॉल्ड स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस होते ही इसलिए सो दैट यू गेट स्टक अपॉन देम। जैसे फिजिक्स में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है
एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग इट अगेन एंड अगेन तो आप यू कैन इजीली लूज लाइक 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर प्रीशियस टाइम इन एग्जाम हॉल. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यू लीव इट फॉर अ वाइल एंड यू कम बैक टू इट लेटर. अगर आपको कोई क्वेश्चन आप एक टाइम लिमिट सोच कर जाओ दैट ओके अगर मुझे 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे लग रहा है देन आई लीव इट. तो इस तरह से यदि आप करोगे देन इट वुड बी बेटर, क्योंकि देन अगर आप इफ यू डोंट डिसाइड देन यू कैन एंड अप लूजिंग योर टाइम वेरी इजीली. नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रैक्शन. तो डिस्ट्रैक्शंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यूजुअली हमारा जो हार्डवर्क वाला पाथ है दैट इज़ जो हम नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए इतनी मेहनत वाला पाथ चूज़ कर रहे हैं उससे बेटर हमें एक ईजी वे मिल जाता है. हमारा माइंड सोचता है लाइक वाई टू वर्क सो हार्ड जब कई बार हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जो मेजर या माइनर जो भी टेस्ट हम दे रहे हैं कोचिंग में या घर पे एनीवे, बट अगर उनमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाते तो हम लोग सोचने लगते हैं दैट वाई टू डू सो मच, वाई टू वर्क सो हार्ड. तो हमें ये थॉट्स को हमारे दिमाग से दूर रखना है एंड वी शुड ऑलवेज कीप वर्किंग टुवर्ड्स आर गोल दैट इज़ टू क्रैक द नीट. इसके लिए हमें क्या करना है, देखो मैंने देखा है कि कई लोग सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड गिव अप ऑन स्मार्टफोन्स एंड यूज़ ओनली दोज स्मॉल कीपैड फोन्स, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो हम सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, दैट इज़ सोशल मीडिया, यूट्यूब, गेम्स एंड ऑल दोज, ये सारे जो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हैं इनसे दूर रहें. इसलिए सजेस्ट किया जाता है दैट यू शुड यूज़ अ कीपैड फ़ोन इंस्टेड ऑफ द स्मार्टफोन, बट इट्स नॉट दैट नेसेसरी. क्योंकि जैसे जब प्रिपरेशन के टाइम इवन आई यूज्ड अ स्मार्टफोन एंड अगर आप स्मार्टफोन को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ बूस्टिंग योर स्कोर्स. क्योंकि स्मार्टफोन्स में कई सारे ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे आप आपकी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, सो इफ यू कांट गेट अ टॉपिक इनसाइड योर हेड क्लियरली, जैसे कि कोई 3D एनिमेशन आपको किसी चीज़ का देखना है तो वो आपको ईजिली यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है. मैनी अदर ऐप्स होते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत सारी टेस्ट या क्या कहते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेस होती है अगर आप स्मार्टफोन को एफिशिएंटली यूज़ करें. द थिंग इज एफिशिएंट यूसेज नॉट डिस्ट्रैक्टिव यूसेज, राइट. तो हमारे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल में रखना है एंड वी शुड ऑलवेज कीप वर्किंग. अगर मेरा एक लास्ट मैसेज होगा टू ईच एंड एवरी नीट एस्पिरेंट इट वुड ऑलवेज बी दैट नेवर लीव योर पाथ, नेवर गिव अप. अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं इवन देन यू शुड नेवर गिव अप, हमेशा अपने पाथ पर चलते रहो, यू वुड डेफिनेटली अचीव द रिजल्ट. के विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू साइन ऑफ. लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल इफ यू हैव एनी क्वेरीज. The master class will be conducted of a number of different subjects also. So you should subscribe to the channel. Thank you.